वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10, क्लास 7, सब्जेक्ट हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं चैप्टर 10th। इट्स द लास्ट चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर है क्लास 7 का, और चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ है उसकी बात हम करेंगे। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के आसपास की बात। ठीक है, तो पैराग्राफ फर्स्ट में देख सकते हैं, शुरू करते हैं फिर। इफ़ यू लुक एट मैप 1 एंड 2 क्लोजली, यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट during the first half of the 18th century. Notice how the boundary of the Mughal Empire were reshaped by emergence of number of independent kingdom. Okay, इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है? कह ये रहा है कि अगर आप मैप फर्स्ट को और मैप सेकेंड को देखोगे तो मैप फर्स्ट आपका ये है, ये वाला मैप फर्स्ट, और अगले पेज में नेक्स्ट में ये मैप सेकंड दिया हुआ, यहाँ इस मैप की बात की गई। ठीक, तो कह ये रहा है कि अगर आप मैप फर्स्ट और मैप सेकंड को देखोगे काफ़ी ध्यानपूर्वक, काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोजली देखोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप, और आप ये देखोगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बदली है वो ये है कि सब कॉन्टिनेंट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के पहले हाफ में। इट मीन्स 1700 से लेकर 1750 के आसपास की बात की होगी शायद। ठीक है, नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर, सबसे पहले कह रहा है कि दोनों आप मैप को देखें और नोटिस करें कि किस तरह जो बाउंड्रीज है, यानी कि जो हद है जहाँ पर साम्राज्य था मुगल एम्पायर का, वो रीशेप्ड हुई है, यानी कि बदली है, फिर से शेप्ड हुई है, यानी कि बढ़ी या घटी है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। बाई द इमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, यानी कि उस वक्त कई सारी इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद, किसी पर डिपेंड नहीं थी, वो किंगडम साम्राज्य का उद्भव हुआ, इमरजेंस हुआ। इमरजेंस मतलब निकल कर सामने आना, वो बनी है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, बाई 1765, ठीक है, ये देख सकते हैं, बाई 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। हाँ, 1765 में आप नोटिस करें कि किस तरह की एक अनदर पावर, एक दूसरी पावर जो है, यानी कि ब्रिटिश, एक ब्रिटिश भी उभर कर सामने आई और सक्सेसफुली उसने हड़प लिया, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़ों को, भारत के बड़े बड़े टुकड़ों को, किस हिस्से में, टेरिटरीज इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया के बड़े बड़े टुकड़ों को वो अपने कब्जे में ले लिया। किसने, इंडिया ने, ब्रिटिश पावर ने। व्हाट दीज मैप्स टेल अस इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये आपको मैप कहना क्या चाह रहा है, मैप ये बता रहा है कि पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह बदली है भारत की 18th सेंचुरी में। ठीक है, किस तरह बदली है, काफ़ी, और जो बदली है, जो बदलाव आया है वो क्वाइट ड्रामेटिकली है। ड्रामेटिकली मतलब अचानक से, बहुत तेज़ी से बदलना, एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त में, बहुत थोड़े से टाइम में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ ये वाला, ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो उद्भव हुआ है, किस तरह जो निकल कर सामने आई है नई पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है, नई पॉलिटिकल ग्रुप्स सब कॉन्टिनेंट में, उप महाद्वीप में, ड्यूरिंग द, किसके दौरान, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, पहले हाफ में, यानी कि 18th सेंचुरी के पहले आधे साल में, यानी कि 1750 के आसपास पहले ही बात किया था हमने, तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे डेट के बारे में कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी रफली जो है 1707, इस वक्त जो है पॉलिटिकल ग्रुप का उद्भव हुआ, पॉलिटिकल ग्रुप निकल कर सामने आई, उनका इमरजेंस हुआ 1707, जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब का निधन हुआ था, और
उस वक्त से शुरुआत हुआ पॉलिटिकल पार्टी का बनना, इमर्जेंस होना, और वो तब तक चला टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, ठीक है, यानी कि 1761 के आसपास तक ये होता रहा जब पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1761 में। आगे हम देखते हैं द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जो क्राइसिस आई है, प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में। इन द चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग इन वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ 17th century, ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि चैप्टर 4 में आपने देखा है कि किस तरह मुगल एम्पायर जो है रीच्ड, यानी कि पहुँच चुका था हाइट ऑफ सक्सेस, अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, और उस वो फिर क्या हुआ एंड स्टार्टेड, और फिर शुरू हो गया उस मुगल साम्राज्य फेस करने लगा, यानी कि प्रॉब्लम फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस, लगातार एक सिलसिलेवार ढंग से, यानी कि रेगुलर मैनर से उसको फिर एक प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हो गया। यानी कि मुगल साम्राज्य पहले तो एक सक्सेस पर चला, उसकी मुगल की जो साम्राज्य थी वो तो एक ऊंचाई पर पहुंच गया, रिच कर गया हाइट ऑफ सक्सेस को, लेकिन उसके बाद से तरह तरह की परेशानियां उसके साम्राज्य में आने लगी, ठीक है, मुगलों को तरह तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ा। कब? टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th century, ठीक है, 17th century के ख़त्म होते होते तक, ठीक है। अब देखिए दीज वर कॉज्ड बाई अ नंबर ऑफ फैक्टर, एम्परर औरंगजेब डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाई फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डेक्कन, ठीक है। ये कुछ फैक्टर हैं, नंबर ऑफ कुछ उसके वजह है क्या जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या हैं, यहाँ देखिए कि एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। डिप्लीटेड मतलब होता है समाप्त होना या फिर ख़त्म होना, धीरे धीरे कमी आ जाना, ठीक है। तो जो औरंगजेब थे, दीज वर कॉज्ड बाई द नंबर ऑफ फैक्टर, एम्परर औरंगजेब जो थे वो अपनी मिलिट्री, यानी कि जो मिलिट्री उनकी थी, मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, आर्थिक जो संसाधन थे उसमें वो कमी आती गई और वो ख़त्म होते चले गए। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी, एम्पायर साम्राज्य की लड़ाई चल रही थी, फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डेक्कन, डेक्कन में जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान उन्होंने अपनी मिलिट्री शक्ति और फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को भी बहुत कमज़ोर कर दिया और कम कर दिया, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ अंडर हिज सक्सेसर, अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, ओके, इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लैटर मुगल एम्परर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार, ठीक है। उनके साम अब क्या है, क्या हुआ उनके साम्राज्य में कि जो एफिशिएंसी थी, यानी कि जो कुशलता थी, कार्य करने की जो क्षमता थी इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो शाही प्रशासन था, वो ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक है। इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लैटर मुगल एम्परर टू कीप चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार, उनके जो पावरफुल मनसबदार थे उनको अपने कब्जे में रखना, उनको अपने वश में रखना मुगलों के लिए, मुगल सम्राट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉबल्स अपॉइंटेड एज क्या कह रहा है कि नॉबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर सूबेदार ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल, ठीक है। जो नॉबल्स जो हैं वो जब गवर्नर को अपॉइंट करते थे, ठीक है, सूबेदार को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनका जो कंट्रोल होता था दोनों पर होता था, एक तो वो ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू, जो कर की ऑफिस होती थी, यानी कि जो टैक्स वगैरह, टैक्स से रिलेटेड जो काम होता था वो उस ऑफिस में भी उनका कब्जा होता था। कब्जा कहने का मतलब उनका कंट्रोल होता था, यहाँ कंट्रोल कब्जा नहीं, कंट्रोल होता था, ठीक है, वो उनके भी काम देखते थे। एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों दो तरह की मिलिट्री थी वहाँ, दीवानी एंड फौजदारी, दोनों मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कंट्रोल होता था। किनका कंट्रोल होता था? गवर्नर्स का, सूबेदार का, ठीक है। तो ये कंट्रोल होने की वजह से, ठीक है, दिस गिव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि जो मुगल एम्पायर थे ना, मुगल एम्पायर जो मुगलों के साम्राज्य थे, तो उसमें काफ़ी, यानी कि बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े जगह पर उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मिलिट्री पावर दिया गया था। ये कहने का सेंस ये है कि जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, उनको जो कंट्रोल दिया गया था, एक तो दिया गया कि कर से रिलेटेड ऑफिस में दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उनका कंट्रोल था, ठीक है। ये दोनों कंट्रोल होने की वजह से उनको जो पावर जो दी गई, पावर जो मिली हुई थी, किसे? गवर्नर को, सूबेदार को जो पावर मिली हुई थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी उनको पावर अच्छी खासी थी और इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर भी थी। और कब कहाँ थी? ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य के वास्ट रीजन में, बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े जगहों पर, यानी कि अच्छे खासे क्षेत्र में उनको पावर मिला हुआ था। एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर अ प्रोविंसेस, ठीक है, क्या कह रहा है कि एज द गवर्नर कंट्रोल्ड ओवर प्रोविंसेस, जिस तरह गवर्नर्स जो थे वो अपने कंट्रोल्ड को जैसे जैसे वो प्रांत पर, उस जगह पर सुदृढ़ करते गए, सुदृढ़ मतलब कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपने पावर को कंट्रोल करते गए, अपने कंट्रोल को जमाते गए, अपने कब्जे को जमाते गए, वैसे वैसे द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रिवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, तो वैसे वैसे जो कर आ रहा था, वैसे वैसे जो रिवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस के पैसे आ रहे थे, जो टैक्स आ पा रहे थे कहाँ, कैपिटल में, मुगल के कैपिटल में, मुगल के साम्राज्य के कैपिटल में जो कर की रकम आ पा रही थी, कर आ पा रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। कम किसके वजह से होने लगा? ये जो पावर इनका था, क्योंकि वो अपने पावर को क्या करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है, ओवर अ वास्ट रीजन पर, ठीक है। तो इस तरह से जो कैपिटल में आपका अमाउंट पहुँच पा रहा था मुगलों के, वो धीरे धीरे कम होने लगा। आगे देखते हैं, ठीक है, हाँ, आगे ये है कि पीजेंट्स एंड, ये इस पैराग्राफ में पीजेंट्स एंड जमींदार रिबेलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी मुगलों के लिए जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम और बढ़ गई। ये प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले कौन थे? अभी पीजेंट्स और जमींदार कैसे बढ़ गए ये प्रॉब्लम, कि जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे और जमींदार थे, उन्होंने विद्रोह किया कई जगह पर, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट के जो पीजेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया। तो ये एडेड टू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, मुगलों के लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्यों किया? दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स, ये जो विद्रोह हुआ ये कई बार रिलेट इसलिए हुआ कि कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस, ठीक है, यानी कि कर का जो प्रेशर था उनके ऊपर, दबाव था, वो काफ़ी बढ़ गया था किसानों पर और ज़मींदारों पर, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ, मुगल साम्राज्य के खिलाफ, मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया। At other times, और कई बार at other times they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position. हाँ, कई बार विद्रोह लड़ाई इसलिए होती थी, और वो कौन करते थे? Peasants और ज़मींदार तो करते थे, उसके अलावा कई बार विद्रोह मुगल लोग के खिलाफ करते थे chieftains, यानी कि जो सरदार होते थे, ठीक है, जो मुखिया होते थे, किस लिए करते थे? Powerful chieftains to consolidate their ओन पोजिशन, वो अपनी पोजिशन को कंसोलिडेट करने के लिए, यानी कि सुदृढ़ करने के लिए, जमाने के लिए, मजबूत करने के लिए मुगलों के खिलाफ ये करते थे, रिवोल्ट्स करते थे, विद्रोह करते थे, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ, मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल। ऐसा नहीं कि मुगल अथॉरिटी जो थी, मुगल जो शासन थी, उस सत्ता को, मुगल शासन को, इससे पहले किसी ने चैलेंज नहीं किया था, ठीक है, इससे पास्ट में भी चैलेंज किया गया था, इससे पहले भी उस सत्ता का विद्रोह हुआ था, लेकिन अभी का क्या बात है, इसके बाद क्या हुआ? मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रिबेलियस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल, लेकिन बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन, यानी कि जो अब जो ग्रुप थे, ये जो अपोजिशन कर रहे थे मुगल सत्ता की, ये आर्थिक व्यवस्था अपनी, ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, आर्थिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, यानी कि अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए, अब वो मुगलों का, मुगल साम्राट का विरोध कर रहे थे, ठीक है। द मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविनशियल गवर्नर, लोकल चिफ्टेंस एंड अदर ग्रुप, ठीक है। ये मुगल जो सम्राट थे वो अनेबल थे, वो रोक नहीं पा रहे थे, वो धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही थी इनकी विद्रोह की क्षमता, और विद्रोह करने से, विद्रोह वो किस लिए कर रहे थे? अपने पावर को, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए। तो ये जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रही थी, धीरे धीरे बदलाव आ रहा था पॉलिटिकल में, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, जो छोटे छोटे ग्रुप थे, जो लोकल चिफ्टेंस थे,
लोकल जो मुखिया थे, सरदार थे, वो अपने पावर को, खुद को, अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए जो विद्रोह कर रहे थे मुग़ल सत्ता के खिलाफ, तो उसे मुग़ल शासक जो है रोकने में असमर्थ हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। In midst of the economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. हाँ ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जब प्रॉब्लम जो चल रही थी मुगलों की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस कंडीशन के बीच में ही, इस प्रॉब्लम के बीच में ही ईरान का जो राजा था, ईरान का जो सम्राट था नादिर शाह, उसने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया दिल्ली पर। ठीक है, 1739 में, ठीक है, और लूटपाट मचा दी। ठीक है, और काफ़ी बड़ी तादाद, इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, उसने फिर लूट लिया काफ़ी अच्छी खासी तादाद दिल्ली से, उसने 1739 में काफ़ी अच्छी तादाद, अच्छी खासी रकम लूट कर ले गया। इस सिर्फ इसी से बाकी नहीं रहा, आगे देखिए। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाई द अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली, who invaded North India five times between 1748 and 1761, ठीक है। इसके हमले के बाद एक दूसरा हमला हुआ भारत पर, जो कि एक लगातार हमले की शक्ल में हुआ। इस ये जो है अफगान के रूलर, अफगान के सम्राट थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, उसने जो हमला किया एक सीरीज़ में किया, पांच बार उसने हमला किया 1748 से 1761 के बीच में, उसने भारत में पांच बार हमला किया, ठीक है, और वो भी लूटपाट मचाता रहा। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर, दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाई अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेड नॉर्थ इंडिया, उसने जो लूटा, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को बिटवीन 1748 एंड 1761, ठीक है, आगे देखते हैं। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different group of nobles. हाँ ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ गया था। क्यों कमज़ोर पड़ गया था? क्योंकि सभी तरफ से उसे दबाव पड़ रहा था, सभी तरफ से, ऑलरेडी अंडर सेवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी तरफ से दबाव तो पड़ ही रहा था। द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाई कॉम्पिटिशन, ठीक है, और आपकी जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया था ये कंपटीशन के चक्कर में, ये जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी किनके बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स, ठीक है, अभिजातों के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था, उसके वजह से वो हार जाना, भुगतना पड़ रहा था साम्राज्य को, साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। ठीक, दे वर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स और फैक्शन, यानी कि जो नॉबल्स थे वो बटे हुए थे दो मेजर, बड़े गुटों में बटे हुए थे, बड़े ग्रुप में बटे हुए थे। ठीक है, फर्स्ट जो थे द ईरानीज एंड द सेकेंड वॉज तुरानीज, ठीक है, एक ईरानीज और तुरानीज। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ इधर वन और द अदर ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप। हाँ, एक लंबे समय तक जो मुगल के सम्राट थे वो पपेट बने हुए थे, कठपुतली बने हुए थे इन दोनों गुटों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। दोनों गुटों कौन? एक ईरानीज और तुरानीज के हाथों की कठपुतली बने हुए थे ये जो मुगल साम्राज्य थे एक लंबे समय तक। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखने से पहले एक और बार देख लेते हैं हम कि ये जो है दे वर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, दो गुटों में बटे हुए थे। एक गुट का नाम था कौन? नोबल्स जो थे दो गुटों में बटे हुए थे, एक ईरानीज और दूसरे तुरानीज। ठीक है, एक लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वॉज वर पपेट। ठीक है, एक लंबे समय तक ये जो दो गुट थे ईरानीज और तुरानीज इनके हाथों की कठपुतलियाँ बने रहे। कौन? मुगल एम्परर। और वर्स्ट आगे देखते हैं। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन टू मुगल एम्परर फारूख सियार एंड आलमगीर सेकंड वर असैसिनेटेड। ओके, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे अपमानजनक बात ये हुई कि द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन टू मुगल्स। ठीक है, जब सबसे अपमानजनक बात ये हुई कि जब दो मुगल यानी कि फारूख सियार एंड आलमगीर सेकंड इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और
जो अहमद शाह एंड दूसरे शाह आलम सेकंड थे उनको अंधा कर दिया गया उनके नॉबल्स के द्वारा, उनके अभिजात के द्वारा। ठीक है, ये सबसे अपमानजनक सिचुएशन आ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो अभी के लिए गाइज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे इसी को प्रोसीड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।